ये तो मेरे गले का फंदा बन सकता है, बट अब इसको लगाना, ये इतना बड़ा सर है क्या मेरा? देखा बेचारी की जान यहाँ पे लटकी पड़ी हुई। Hi guys, this is Ramya. Welcome back to my channel. तो आज का वीडियो होने वाला है पार्ट 2 of the testing of the viral 5 minute crafts के glue gun hacks. And glue gun hacks का part 2 इसलिए बना रही हूँ because आप लोग ने कहा कि part 2 बनाओ, तो मैं बना रही हूँ. Part 1 नहीं देखा है तो make sure कि आप I button दबा के अभी के अभी part 1 देखें and rest of the testing of the viral hacks भी आप देख सकते हैं, but वो आप बाद में भी देख सकते हैं. तो पर glue gun का first part तो जरूर देख लेना, जिससे आपको सेटअप का मतलब पता चल जाएगा कि ये गुलदस्ता क्यों है यहाँ पे, किस वजह से इस गुलदस्ते को इस फ्रेम में रखा हुआ है, वो भी बिस्तर पे, ये सब आपको पता चल जाएगा. तो इसलिए पहला पार्ट देखना मत भूलना. अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर कि आप लाइक कर दें इस वीडियो को एंड 10,000 लाइक्स तक जस्ट से पहुंचा दें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बिकॉज मैं पोस्ट करती हूँ न्यू वीडियोस एवरी वीक एंड दैट इज ऑन मंडे वेंसडे फ्राइडे संडे शार्प एट 12 PM. तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल बटन भी दबा दें जिससे आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए. एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला हैक है वो है हेडबैंड का, तो लेट्स जस्ट मेक दैट. एंड उसके लिए हमने पेपर में ऑलरेडी डिजाइन बना ली है, क्यों टाइम खराब करना आपका, है ना, मेरा टाइम ही खराब करना बहुत होता है. तो ये मैंने डिजाइन बना ली है और इतनी लंबी बनने वाली है हेडबैंड क्योंकि हमें पूरा का पूरा सर कवर करना है. सो लेट्स होप कि इससे हो जाए. और आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे इतनी बड़ी हेडबैंड कौन बनाता है, या मेरा सर ही इतना बड़ा है, मैं क्या बनाना पड़ेगा. तो लेट्स गो. ओके गाइस, ये तो हो गया डन और ये बहुत ही इजीली इसमें से निकल भी गया, तो ये तो मेरे गले का फंदा बन सकता है, बट अब इसको लगाना, ये इतना बड़ा सर है क्या मेरा? ला 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 ला. तो ये इस तरीके से जुड़ गया है, अब देखते हैं इसको पहन के कि कुछ होता है नहीं होता है, पहन पाएंगे, कितना टिकता है कितना नहीं. बट हाँ, ये क्राउन बड़ा अच्छा बना है, नहीं तो बहुत ही केयरफुली पहनना पड़ेगा बिकॉज ये ग्लू है और ये कभी भी टूट जाएगी. कितना रिस्की है, नहीं ऐसा लग रहा है सोने की खान से निकाल के लेके आई हूँ मैं, कितना ध्यान से संभाल रही हूँ मैं इसको. हाँ, सो क्यूट, घुस गई, दो चार जगहों से टूट गई, बट ठीक है वो आप अपने बालों से छुपा लें अगर आपको ये हेयरबैंड बहुत पसंद आ रहा हो तो. बट अगर आपके डिपेंड करता है आप कितनी मोटी और कितनी थिक लेयर बनाते हैं, जहाँ पे पतले थे ना वहीं से टूटा ही है, कभी ना कभी तो टूट जाएगा. तो हम इसको 9 दे देते हैं बिकॉज ड्यूरेबल तो नहीं है ना, बहुत लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं रहने वाला, 1, 2, 3, 4 बार आप पहनेंगे मोस्टली टूट जाएगा. जैसे मेरे एक बार में टूट गया है बिकॉज ये थोड़ा सा पतला था, बहुत मोटा बनाएंगे तो भी टूटने के चांसेस है, तो 1 पॉइंट उसके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. जो नेक्स्ट हैक है वो है ट्रैवल पीपल के लिए, और उसके लिए हमारे को ढक्कन मिलने वाला है इसका. तो उसके लिए ये पेपर इसके तरफ लपेट लेते हैं. लो, इसकी फांसी लगा दी है मैंने इसको बांध के, अब हमारा ढक्कन प्रॉपर बन पाएगा. उसके बाद हम ग्लू गन से इसके ऊपर तांडव मचाएंगे. मेरे लास्ट मोमेंट में मेरा पिंक खत्म हो गया तो मैंने हरा डाल दिया उठा के, और ये कुछ इस तरीके का लग रहा है, इसको सूखने देते हैं. ठीक है, इसे टूथब्रश का ये होल्डर हमारा सूख चुका है तो इसको अब निकालने का ट्राई किया जाए. नहीं, निकाल 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 निकल गया तुम्हारी ब्रश. ढक्कन तो बड़ा ही अच्छा बना है, बट प्रॉब्लम ये कि ढक्कन ऐसे देखने में ही अच्छा है, मैं इसको इस पे लगा रही हूँ तो ये बेचारे टूथब्रश को वहाँ पे अंदर से जिकोड़ रहा है, पता नहीं इसकी, देखा बेचारी की जान यहाँ पे लटकी पड़ी हुई है, इसमें से ऐसे ब्रिसल्स बाहर आ रहे हैं. मोस्टली मैंने पेपर जो था बहुत टाइट रैप कर दिया, इस वजह से शायद उन्होंने लूज ही रखना था, तो मैं इसलिए उनके नंबर नहीं काटी. हैक वर्क करता है, इट्स अ वेरी गुड हैक अगर आप तरीके से बनाओ तो. सो 10 on 10 अगेन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट हैक है वो है मैग्नेट फोटो प्लस लव का, और इसमें हमने हमारे रेफ्रिजरेटर या जहाँ पे भी आप मैग्नेट अटैच करते हैं वहाँ पे कई लोगों को पसंद होता है, तो वहाँ पे ऐसे वर्डिंग्स के साथ फोटो भी चिपका सकते हैं. सो दैट इज व्हाट वी आर गोना डू. उसके लिए हमारे पास एक चिंदू सा मैग्नेट है जो कि आपको नहीं दिख रहा होगा, बट दैट्स फाइन. यहाँ पे पहले लिख देती हूँ जिससे मैं ड्रॉ अच्छे से कर सकूँ, और अब बस हमें इसके ऊपर इससे लिखना है एंड देन हम स्प्रे पेंट करेंगे एंड देन वी विल सी व्हाट हैपेंस. तो
ये लव हमारा सूख चुका है, पीछे से ऑल दो ग्रीन ही है, उन्होंने पीछे से स्प्रे नहीं करा और उससे मतलब ही नहीं है, बट आगे से हमारा ऑलमोस्ट कॉपर है, कई कई जगह से ग्रीन रिफ्लेक्ट हो रहा है, मुझे स्प्रे पेंट भी करना नहीं आता अपेरेंटली, बट ठीक है हम ट्राई करते हैं। इसमें हमें सिर्फ ये मैग्नेट गोंद से लगानी है, ये मैंने यहाँ पे पीछे लगा दिया है, इसको अब देखते हैं कि ये चिपक रहा है कि नहीं चिपक रहा और कैसा लग रहा है। मतलब बेसिकली थोड़ा सा वो लगा दिया है जिससे एक हार्ट वाला शेप आ जाए, बट हमने इसको थोड़ा और क्रिएटिव बनाना है कंसिडरिंग हमारे पास यहाँ पे कलरफुल डंडिया है, आई मीन ब्लू है, तो हमने इसमें हम ग्रीन यूज करने वाले हैं, तो हम एक ही बनाएंगे क्योंकि हमारे पास है तो बहुत सारी बट बहुत ही सिकड़ू सी हैं, देख रहे हैं आप, इससे सिर्फ एक बन पाएगी, तो इससे हम एक ही बनाते हैं, हमारा एक हरा पूरा यूज करके हम ये बना देंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। सो लेट्स गो। ओके गाइस, तो ये हमने भर दिया है, कैसे तैसे भर दिया है, बहुत मुश्किल हो रही थी भरने में बट भर दिया है, तो हम सूखने देते हैं, इसको टाइम लगेगा बहुत सारा है, उसके बाद देखते हैं कि देखते हैं क्या बनता है। हमने इसको सिलिकॉन में बनाना चाहिए था, इस प्लास्टिक के स्टूपिड में नहीं, पर हमारे पास सिलिकॉन था ही नहीं, सिलिकॉन से तो निकल चुका होता अभी तक, बट बिकॉज हमने प्लास्टिक बनाया और इसमें हमारी गलती है, तो हम ही इसमें परिश्रम करते रहेंगे कि ये निकल जाए। हाँ फाइनली ये हमारा दिल बाहर आ गया है, अब बस हम इसको इसमें घुसा के देखते हैं कि छेद हो रहा है नहीं हो रहा है, ओपन हो जाना चाहिए, हो रहा है, आराम से हो जाएगा। छेद कर दिया है और ये इसमें अब लाइट्स डाल के देखेंगे कि कितना प्यारा लग रहा है, कितना कितना कलर हमें दिखेगा इसमें, उसकी कोई गारंटी नहीं है अभी। ये वाला तो बहुत ही क्यूट लगा, आपने देखा ही, बहुत ज्यादा लाइट नहीं आएगी बिकॉज ये थोड़ा बहुत डिफ्यूजर की तरह एक्ट करेगा, बट हाँ आप अगर खूब सारे मतलब कलर्स की अगर ऐसे बना दो तो वो बहुत प्यारा लगेगा ओवरऑल। देयर आर सो मेनी सिलिकॉन्स अवेलेबल आउट देयर, बस हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास ये बेचारा ये था जिसका मैंने यहाँ से उसका एक पैर तोड़ दिया। सो यह दैट वॉज ऑल, इसको भी मैं 10/10 देती हूँ। Yeah, let's move on to the next one. गाइस, नेक्स्ट जो हैक है उसमें हमने बनाना है फोन कवर, तो हमारा फोन यहाँ रेडी है प्लास्टिक में कम्प्लीटली रैप्ड हुआ हुआ बेचारा, पीछे से मैंने रबर बैंड लगा रखा है बट आगे से बहुत नीट है, तो हमारे पास उन्होंने प्लेन कलर से बनाया था बट प्लेन इज सो सिंपल, तो हम बनाएंगे कलरफुल। ओके गाइस, ये मेरा फोन कवर कुछ इस तरीके लग रहा है, पास से आपको देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत प्यारा कलर लग रहा है, ऐसे तो मैंने बहुत ही क्रिएटिवली बहुत ही सुंदर बनाया है, सूखने देते हैं कम्प्लीटली फिर खोलेंगे फिर देखते हैं कि कितना अच्छा है, कितना पानी में है, कितना डेढ़ गुना पानी में है। फोन कवर है हमारा सूख चुका है, अब इसको निकालने का थोड़ा सा परिश्रम किया जाए कि निकलता है कि नहीं निकलता है, बट उससे पहले लेट्स ट्राई कि हम हाँ फोन को निकाल दें, ऐसे फोन हमारा बाहर आ चुका है, अब इसको देखा जाए कि ये हमारे प्लास्टिक को छोड़ेगा या प्लास्टिक के साथ दोस्ती करके बैठा ही रहेगा। अब उन लोगों ने भी एक प्लास्टिक ही तो यूज करा था यार, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या करूँ। अरे ये एप्पल फोन का कवर रेडी तो हो गया है बट बहुत वाहियात लग रहा है, मैंने बहुत प्यारा डिजाइन बनाया था बट प्लास्टिक उतारने उतारने में आधी चीजें टूट के बिखर रही थी, तो अब इसको हम फोन में लगा के देख लेते, मोस्ट प्रोबेबली तो हवा में ही होगा ये और फोन दूसरे हवा में होगा, बट स्टिल ट्राई करके देख लेते हैं कुछ हो जाए तो। ऐसे तो अच्छा ही लग रहा है बट वही है कि ये इसको पकड़ के रखने की जगह ये अभी छोड़ देगा, अभी ऐसे निकल जाएगा मेरा फोन, तो कोई बात नहीं, इसको मैं क्या ही बोलूँ, मैं अच्छे नंबर नहीं दूंगी, मैं जानती हूँ मेरे कला की वजह से भी खराबी हो सकती है बट यार फिर उनको 8 नंबर दूंगी उससे ज्यादा नहीं, बिकॉज कुछ भी बनाओ टूट तो जाएगा ही ना। जो नेक्स्ट है वो हैक है कि नहीं है हमें नहीं पता, बट हमने सोचा कि पिछली बार में भी ट्राई करा था, इस वाले में भी कुछ फनी सा कुछ ट्राई कर लिया जाए जो एक्चुअली देखने में बड़ा मस्त लग रहा हो, तो हम वो ट्राई करने वाले। उसके लिए हमारे पास ये स्ट्रॉ आ गया है और इसमें हमने बस आगे ये लगा देनी है हल्की सी हमारी हॉट ग्लू और एक गर्म ही होनी चाहिए और उसको फूकना दोबारा ट्राई करते हैं गाइस, ऐसे हार नहीं मानते, कुछ तो होएगा एक बार और। ये क्या था यार, उसने तो फुलाया, ऐसे फूला था जैसे पता नहीं कौन सा बबल फूल रहा है।
बट उनके जैसा तो नहीं हुआ, तो दिस वॉज अ फेल. वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर कि आप लाइक कर दें इस वीडियो को एंड 10,000 लाइक्स तक जस्ट पहुंचा दें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं पोस्ट करती हूं न्यू वीडियोस एवरी वीक.